All right, good morning, students. So by the time others are joining, let me revise the concept which we did day before yesterday, which is BOP on capital account. सबसे पहली बात, BOP on capital account में हम वो सारी transactions record करते हैं जो कि residents या government के asset या liability status को affect करती हैं, ठीक है? ये financial nature की होती हैं, यानी इनमें रियल एसेट्स का ट्रांसफर नहीं होता है, राइट? सो दीज डू नॉट हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द कंट्रीज इनकम एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट? सो बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट मेनली हैज थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन. फर्स्ट, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स to and from abroad. Okay? So borrowings दो तरह की होती हैं. एक external commercial borrowings जो कि generally private sector करता है. Let us say आपकी एक company है, आपने ADR या GDR issue कर दिए, आपने पढ़ा इसके बारे में plus one में, नहीं याद? चलो, आपने foreign funds में borrowings लेनी है, ठीक है? तो जो बोरोइंग्स आप लोगे, दैट विल रिजल्ट इन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन, बोलो, क्रेडिट साइड. और अगर आप लेंड करते हो, इट विल रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड. ये जो बोरोइंग्स हैं, क्योंकि जनरली ये प्राइवेट सेक्टर लेता है, इस पे आपको कोई इंटरेस्ट में कंसेशन नहीं मिलता, ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ही आपको मिलती है, ठीक है? दूसरी तरह की बोरोइंग्स होती हैं ऑफिशियल बोरोइंग्स, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर लेता है. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, कोविड सिचुएशन में हमें पता चला हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, हमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्लांट्स, हॉस्पिटल बेड्स लगाने की जरूरत है, फंड्स नहीं है हमारे पास, तो हमने यूएस को अप्रोच किया, हमें फंड्स की जरूरत है, हमें ऐसे ऐसे कोविड सिचुएशन को टैकल करने के लिए 2,00,000 करोड़ रुपया चाहिए, तो वो हमें यूएस ने दे दिया. और क्योंकि ये गवर्नमेंट को एक तरह से उसने असिस्ट किया, उसने वापस तो लेना है, लेकिन इसके ऊपर जो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो कम करेगी यूएस गवर्नमेंट. सो दीज आर अवेलेबल एट कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. फंडा वही है, इनफ्लो है तो क्रेडिट, आउटफ्लो है तो योगी बोरोइंग एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड. दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड. इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है, वन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अनदर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट. When you know buy any asset in foreign country, that is foreign investment. So what's the difference between the two? Foreign investment and foreign direct investment and portfolio में क्या फर्क है? जो foreign direct investment है, जिसको हम FDI कहते हैं, उसमें foreigners हमारी country में आके invest करते हैं, assets खरीदते हैं, ठीक है? उस asset के owner तो बनते ही बनते हैं, उसके controller भी बनते हैं. MNCs is the best example of FDI. जितनी भी foreign companies इंडिया में आकर अपने production units खोलती हैं, चाहे वो Samsung है, चाहे वो Ford है, चाहे वो LG है, चाहे वो Hyundai है, इन सब ने अपने production units इंडिया में set up किए हुए हैं, which they are owning as well as controlling. ठीक है? तो जब FDI इंडिया में आती है, inflow होता है foreign exchange का, it is recorded in credit side. That's why you know we take all these steps. Government हमारी FDI के पीछे कितने benefits देती है foreigners को, क्या हो हमारी country में invest करो, क्योंकि उससे हमारे पास foreign exchange आती है, हमारा BOP favorable जाता है, ठीक है? और दूसरी investment foreign institutional investors, जब foreigners Indian company के shares खरीद लेती है, ठीक है?
तो जितने परसेंट वो शेयर खरीदते हैं उतने परसेंट ओनर तो बन जाती हैं वो, लेकिन उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। ऐसी इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तीसरा जो कंपोनेंट था बेटे बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट का, दैट वॉज चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अगर बीओपी में जितनी भी अभी तक हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की करंट और कैपिटल अकाउंट में, उसमें डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम है, यानी इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, यानी हम डेफिसिट में जा रहे हैं, तो उस डेफिसिट को कैसे ऑफसेट करना है? आप देखो नाम क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, यानी बैलेंस हैज टू बी देयर, रिसीट्स हैव टू बी इक्वल टू पेमेंट्स, यानी रिसीट्स माइनस पेमेंट्स शुड बी इक्वल टू जीरो। इसका नेट बैलेंस जीरो होना चाहिए लेकिन माइनस है। माइनस को जीरो कैसे करना है? अगर माइनस 200 है तो प्लस 200 से होगा ना ये जीरो, सिंपल मैथ्स है। लेकिन ये कहां से लेके आएंगे हम? हमें हमने बीओपी में क्रेडिट इनफ्लो लाना है फॉरेन एक्सचेंज का, कहां से लाएंगे? आरबीआई विच इज कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में से $200 निकाल के गवर्नमेंट को दे देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है? तो दिस विल शो एज अ पॉजिटिव आइटम, क्रेडिट आइटम इन इंडियाज बीओपी, ठीक है? यहां पे यहां से क्या होगा? विदड्रॉल फ्रॉम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ आरबीआई विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम इन इंडियाज बीओपी। ऑन द अदर हैंड, अगर हमारा बीओपी प्लस 200 में जा रहा है, हमारी रिसीट्स पेमेंट से ₹200 ज्यादा है, हमें तो जीरो ही करना है। अब मैथ्स बताओ क्या है, मैथ्स क्या कहता है, जीरो कैसे आएगा? तो मतलब ₹200 निकाल लेंगे बीओपी से, गवर्नमेंट से ₹200। बीओपी कौन बना रहा है बेटे? गवर्नमेंट बना रहा है। गवर्नमेंट के पास ₹200 क्या आ गए? सरप्लस आ गए, ठीक है? वो आउटफ्लो कर देंगे, हम ले लेंगे वापस। आउटफ्लो हो गया तो डेबिट साइड होगा, जीरो आ जाएगा बैलेंस, लेकिन ये ₹200 का जाएगा कहां? वो आरबीआई के रिजर्व्स में। सो यहां पर वो एडिशन, सो एनी एडिशन टू आरबीआईज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व विल बी रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम, एनी विदड्रॉल विल बी रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम इन इंडियाज बीओपी। नाउ बेटे कई बारी जो है गवर्नमेंट इसको जो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बीओपी का हिस्सा मानती है कैपिटल अकाउंट में, कई बारी वो अलग बना लेती है। जब वो इसको अलग बनाती है तो उसको कहते हैं ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस। व्हाट आर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन? इट इंप्लाइज चेंज इन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू ऑफसेट चेंज इन दी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू ऑफसेट डेफिसिट और सरप्लस इन कंट्रीज बीओपी। कंट्री के बीओपी में कभी डेफिसिट आ जाता है, कभी सरप्लस आ जाता है, उसको ऑफसेट करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में चेंजेस किए जाते हैं, इसको कहा जाता है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस। इज इट क्लियर? ठीक, क्या है ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शंस? क्या बताया मैंने? चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, FER लिख लिया करो, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू ऑफसेट डेफिसिट और सरप्लस इन कंट्रीज बीओपी, राइट? अब इसके अलावा बेटे एक और अकाउंट होता है जिसको हम कहते हैं एरर्स एंड ओमिशंस। सो यू बीइंग अकाउंट स्टूडेंट आर अवेयर ऑफ दिस एरर्स एंड ओमिशंस। समटाइम्स बीओपी इज नॉट जीरो, इट शोज जस्ट अवर इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजेक्शंस। तो उसको जीरो करने के लिए जितना बैलेंसिंग फिगर जो रहेगी उसको हम किसमें डाल देते हैं? एरर्स एंड ओमिशंस अकाउंट्स में। इट जस्ट शोज अवर इनएबिलिटी टू रिकॉर्ड ऑल दी ट्रांजेक्शंस।
ठीक है, इतना बड़ी कंट्री है, इतनी ज्यादा ट्रांजेक्शन्स हो रही है, कई बारी कुछ ट्रांजेक्शन्स हम नहीं रिकॉर्ड कर पाते हैं जिस करके बीओपी बैलेंस नहीं हो पाता, तो बैलेंसिंग फिगर करने के लिए हम उसको एरर्स एंड ओमिशंस में डाल देते हैं. इज इट क्लियर? ओके, कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस और आइटम्स ऑफ बीओपी. व्हाट इज दिस? सो फार आपने देखा बीओपी कैसे रिकॉर्ड होते, बीओपी में किस तरह से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है. जितनी भी ट्रांजेक्शन है, कंसिडर योर सेल्फ एज वन इकोनॉमी, योर सेल्फ एज सम रेजिडेंस ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, सम ऑफ यू आर यू नो ट्रांजेक्टिंग विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. ऐसे करो, ये जो तीन रोज है ये इंडिया की है, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की है. ठीक है, आप सब लोग बाहर रहते हैं, आप इंडियन नहीं है, आप फॉरनर्स हैं. ठीक है, उनमें से ये जो रो है ये फॉरेन कंट्रीज के साथ ट्रांजेक्शन करती है. ठीक है, तो ये जितनी भी ट्रांजेक्शन आप लोगों की आपस में हो रही हैं, उनको हम बीओपी में रिकॉर्ड करते हैं. कैसे रिकॉर्ड करते हैं? अगर ये एक्सपोर्ट का गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहा है तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगी? बीओपी ऑन करेंट अकाउंट, क्योंकि इसे एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस नहीं अफेक्ट हो रहे. ये इंपोर्टर है गुड्स की, ये कहां रिकॉर्ड होगी? बीओपी ऑन करेंट अकाउंट. ये सर्विसेज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करती है, इसकी ट्रांजेक्शन्स कहां रिकॉर्ड होंगी? करेंट अकाउंट. ठीक है, फिर ये गवर्नमेंट सेक्टर है, इसको कुछ यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आ रही हैं, कुछ ये पे कर रहा है, ये सब कहां रिकॉर्ड होंगी? बीओपी ऑन करेंट अकाउंट. देन नेक्स्ट चाइल्ड, इसकी कंपनी को फॉरनर ने खरीद लिया, सम्यक ने इसकी कंपनी को खरीद लिया, सम्यक फॉरनर है. ठीक है, ये इंडियन कंपनी है, तो फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी को खरीद लिया, ये कहां पे रिकॉर्ड होगी? कैपिटल अकाउंट. इनफ्लो, इनफ्लो या नहीं? यस, फॉर इनफ्लो क्रेडिट साइड. ठीक है, सिमिलरली किसी और ने कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अगेन दैट इज रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट. ठीक है, सो इस तरह से बोरोइंग्स की भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं. दीज आर द न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स टेकिंग प्लेस. नाउ ऑल दीज ट्रांजेक्शन्स व्हिच आई हैव टॉक्ड अबाउट राइट नाउ, सम ऑफ दीज ट्रांजेक्शन्स आर ऑटोनॉमस एंड सम ऑफ देम आर एकोमोडेटिंग. ठीक है, इनमें से कुछ ट्रांजेक्शन्स ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स हैं और कुछ एकोमोडेटिंग है. सबसे पहली बात, ऑटोनॉमस का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. Whenever we make use of this word autonomous in economics, it implies independent. इसका मतलब क्या है? Independent, जो कि किसी के ऊपर depend नहीं करता. So what are the autonomous transactions? जितनी transactions हमने discuss की, इनमें से कौन सी autonomous है और कौन सी accommodating है, उसके लिए पता होना चाहिए autonomous कहते किसको है. Autonomous transactions are those which are done for economic motive, जो किसी economic motive के लिए की जाती हैं. For example, profit maximization. These are independent of country's BOP situation. समझ लो पहले, ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन्स वो हैं जो कि किसी इकोनॉमिक मोटिव, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए की जाती. व्हाट ट्रांजेक्शन यू आर डूइंग? यू आर एक्सपोर्टिंग गुड्स. फॉर व्हाट पर्पस? अर्निंग प्रॉफिट. यस, सिमिलरली यू आर आल्सो एक्सपोर्टिंग सर्विसेज. फॉर व्हाट मोटिव? प्रॉफिट मोटिव. ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट की, फॉर व्हाट मोटिव? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. वो सारी ट्रांजेक्शन्स जो कि प्रॉफिट मोटिव के लिए की जाती हैं, उनको क्या कहा जाता है? ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन. सो योर ट्रांजेक्शन विल बी क्लासिफाइड एज योर ट्रांजेक्शन. योर ट्रांजेक्शन, आपने अपनी कंपनी बेची, दैट ट्रांजेक्शन विल बी फॉर प्रॉफिट, अगेन दैट इज ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन. ठीक है,
जब आप गुड्स का एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर रहे हो, आप उससे पहले मुझे बताओ, सब कल को आप एक्सपोर्टर बन जाते हो, आप पहले गूगल खोल के देखोगे कि कंट्री का बीओपी कैसा है, कहीं डेफिसिट में तो नहीं जा रहा, मैं गुड्स इम्पोर्ट कर रहा हूं, ये ना हो मेरे इम्पोर्ट करने से और ज्यादा डेफिसिट चला जाए, देखोगे आप? बड़े अच्छे बच्चे हैं ये तो, है? देखोगे? आपका एक तरफ आपकी फैमिली की अर्निंग है, रोटी खिलानी है, दूसरी कंट्री, बेटे इतनी बारी तो मोदी के मैसेजेस आते हैं चाइनीज गुड्स ना खरीदो, आप नहीं खरीदते? अभी दिवाली आएगी, हर घर में चाइनीज लाइट्स लगी होंगी, तब आप देखते हो हमें इंपोर्टेड चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, हमारी कंट्री का बीओपी डेफिसिट में जा रहा है, कौन देखता है? कितने लोग साइकिल पे आते हैं? कोई भी नहीं, ये आता है, आप क्यों नहीं आते? पेट्रोल 140 रुपए होने वाला है, होने वाला है इन नियर फ्यूचर, 100 रुपए हो गया, 140 ये नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। आप ये देखो बेटे, जो मैं बताने की कोशिश कर रही हूं ना वो समझो प्लीज। आप सोचते हो अपना पेट्रोल फिल कराने से पहले कि सिर्फ पेट्रोल जो है वो बीओपी का लार्जेस्ट कंपोनेंट है, इंपोर्ट बिल है इंडिया का, अगर हम पेट्रोल इंपोर्ट नहीं करते तो हमारा बीओपी फेवरेबल हो जाएगा, सोचा कभी? फिर नहीं सोचा ना, तो जब अपना बिजनेस करोगे तो सोचोगे कि कंट्री का बीओपी फेवरेबल है कि अनफेवरेबल? नहीं है ना, यानी योर ट्रांजेक्शन, दीज ट्रांजेक्शन लाइक एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, लाइक इन्वेस्टमेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ कंट्रीज बीओपी सिचुएशन, येस और नो? सो दीज आर ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन, वाइल इंडल्जिंग इन दीज ट्रांजेक्शन दी ओनली मोटिव इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, यू डू नॉट कंसिडर, सो दीज आर क्लासिफाइड एज, ठीक है? आप नहीं देखते हो इसका मतलब कि कंट्री का बीओपी क्या है, पर कंट्री का बी बैलेंस करना है हमने, तो हमने डेफिसिट को ऑफसेट करना है, हमने उसका बैलेंस जीरो करना है, कौन देखेगा फिर? गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट देखेगी, गवर्नमेंट कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस करेगी जिससे कि बीओपी की आइडेंटिटी मेंटेन हो जाए, आइडेंटिटी मींस इक्वालिटी, रिसीट शुड बी इक्वल टू पेमेंट, सो वो ट्रांजेक्शन्स विच आर नॉट डन फॉर एनी इकोनॉमिक मोटिव, जो कि इसलिए नहीं की जाती कि हमें प्रॉफिट हो रहा है, रादर दीज आर डन फॉर मेंटेनिंग बीओपी आइडेंटिटी, दीज आर क्लासिफाइड एज एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन्स, एकोमोडेट करती हैं, ठीक है? अगर 600 रुपए का बैलेंस है -600, क्या करेगी गवर्नमेंट? 600 रुपए कहां से लेगी? आरबीआई से, और अपने बीओपी में क्रेडिट साइड में एंट्री डाल देगी, इससे क्या हो जाएगा? बीओपी की आइडेंटिटी मेंटेन हो जाएगी। और क्या करती है? बोरोइंग्स लेती है गवर्नमेंट, क्या करती है? बोरोइंग्स लेती है, वो भी किस लिए लेती है? बीओपी आइडेंटिटी को मेंटेन कर, ये तो लास्ट रिजॉर्ट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, उससे पहले बोरोइंग से ऑफसेट करने की कोशिश करती है, ठीक है? नहीं होता तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, सो दीज आर दी एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस, ठीक है? हाँ जी, सो दीज ट्रांजेक्शन आर क्लासिफाइड एज अबव द लाइन ट्रांजेक्शन, जो ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन है इनको हम क्या कहते हैं? अबव द लाइन। क्यों कहते हैं? अभी बताती हूँ, इसको कहते हैं बिलो द लाइन ट्रांजेक्शन एकोमोडेटिंग को,
वो क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, रिवाइज जब करवाया, कि जो चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है कैपिटल अकाउंट का तीसरा कंपोनेंट, समटाइम्स इट इज शोन एज अ सेपरेट अकाउंट बाय द नेम ऑफ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शंस, ठीक है? तो वो वाली, इसका मतलब उससे ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो गई वो कौन सी है? अबव द लाइन। और जो बीओपी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज में चेंजेस किए उसको हम क्या कह देते हैं? बिलो द लाइन ट्रांजैक्शंस, ठीक है? सो लेट अस सी द डिफरेंस, इनमें डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस बेटे हमेशा मीनिंग से ही आ जाता है, ऑटोनॉमस आर दोज विच आर डन फॉर accommodating, not done for. These are independent of, these are done to maintain BOP identity. These are also referred to as, these are referred to as, these are done by private sector as well as by the government sector. Government भी तो, government import करती है petrol का, crude oil का. Done by private sector as well as by एंड accommodating. आप में से कोई करेगा बीओपी आइडेंटिटी को मेंटेन? गवर्नमेंट को पैसे देने जाएगा, ये लो $600 मेरे से रख लो मेरी तरफ से? नहीं ना। तो दीज आर डन बाय गवर्नमेंट सेक्टर, ओके। दीज आर रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट ऑफ बीओपी? आपकी ट्रांजेक्शन कौन से अकाउंट में? आपकी ट्रांजेक्शन कैपिटल। तो दीज आर डन इन बोथ करंट एज वेल एज कैपिटल अकाउंट। दीज आर रिकॉर्डेड इन, दीज आर रिकॉर्डेड ओनली इन द कैपिटल अकाउंट, ठीक है? सो ये हो गया हमारा ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। अब आपने बार बार ये वर्ड सुना होगा जब हमने इकोनॉमिक पॉलिसी भी की थी इंडियन इकोनॉमी में, कि उसका एक कारण ये था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने का एक कारण ये था कि हमारा बीओपी क्राइसिस चल रहा था, हमारा बीओपी अनफेवरेबल था। वॉट डू यू मीन बाय अनफेवरेबल बीओपी? डेफिसिट इन बीओपी, वॉट डू यू मीन बाय डेफिसिट इन बीओपी? ओके, सो फार बिल्कुल ठीक आपने कहा, व्हेन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज लेस देन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये कैसे पॉसिबल है बेटे? बीओपी तो हमेशा बैलेंस होता है। जब गवर्नमेंट ने इसका नेट बैलेंस ही जीरो कर दिया, इसका मतलब इनफ्लो इज ऑलवेज इक्वल टू, तो फिर अनफेवरेबल कैसे हुआ? इसका मतलब डेफिसिट ऑफसेट करने से पहले वाली सिचुएशन देखनी हमने, इसका मतलब हमने देखना है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस, ठीक है? ये लेमैन तक के लिए बिल्कुल ठीक है, पर जिसने बीओपी के बारे में पढ़ लिया, अगर वो ये डिफाइन करेगा, इसका मतलब उसने कुछ नहीं पढ़ा, उसने टीचर का नाम डुबोया। होता है, एक्सटर्नल ने आना है प्रैक्टिकल लेने, आधे लोगों ने यही बोलना है, क्योंकि प्लस वन में हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, तो बच्चे कहते हैं नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, क्या नहीं कहते? अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, तो यहां पर भी ऐसे ही करते हैं। दिस इज नॉट डेफिसिट, व्हाई? बिकॉज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑल एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन उसको बैलेंस आउट कर देती हैं। तो हमने accommodating transaction को कितनी करनी है उससे पहले की सिचुएशन पता होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा accommodate कितना करना है। वो कैसे पता चलेगा? इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन देखो कितना है, आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजेक्शन देखो कितना है। अगर इनफ्लो कम है आउटफ्लो ज्यादा है, तो दिस इज द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट इन
BOP. Here BOP is said to be unfavorable. On the other hand, if inflow of foreign exchange on account of autonomous transaction is greater than the outflow of foreign exchange on account of autonomous transactions, BOP is said to be favorable in surplus. ठीक है? Why deficit occurs? Deficit क्या होता है? मैंने बता दिया. इसको डिसइक्विलिब्रियम भी कहते हैं. What is the situation of equilibrium in BOP? Inflow is equal to outflow. फिर गलती. Inflow on account of is equal to what is the situation of disequilibrium? No, not equal to. Both favorable or unfavorable. Equilibrium को opposite disequilibrium. Equal to नहीं, not equal to. ठीक है? अब generally हमारा disequilibrium कौन सा होता है? Deficit या surplus? Deficit. वो क्यों होता है? वो हमारे syllabus में नहीं है. जानना बता सकते हो. अभी मैंने बताया इंपोर्ट बिल देखो पेट्रोल का. इंडिया इतना इंपोर्ट करती है. फिर इंडिया भी एक डेवलपिंग इकोनॉमी है. इसको कैपिटल एसेट्स भी इंपोर्ट करने पड़ते हैं. डेवलपमेंटल स्टेज में मशीनरीज वगैरह इंपोर्ट करनी पड़ती हैं. ठीक है. फिर अगर हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन ज्यादा है तो भी हम इम्पोर्टेड गुड्स खरीदते हैं. हम कहते हैं हम क्यों इंडियन खरीदें, हमें इम्पोर्टेड सस्ते मिल रहे हैं. ठीक है. तो ऐसे कुछ कारण है जिसके करके बीओपी अनफेवरेबल जाता है. ठीक है. सो दैट्स ऑल. आज हमारा बीओपी का चैप्टर ओवर हो गया है. अब हम इसका टेस्ट ले लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वीक ले लें टेस्ट इसका, फिर मंडे को. एंड फ्रॉम टुमारो ब्रिंग द बुक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. वी हैव